बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां पर अमौसी एयरपोर्ट की पार्किंग में एक संदिग्ध बैग मिला है। बताया जा रहा है कि लावारिस बैग मिलने से वहां पर जाहिर तौर पर हड़कंप तो मचेगा ही, और ऐसे में पुलिस या एयरपोर्ट की सुरक्षा एजेंसियां जांच पड़ताल में लगी हुई हैं। अरुण चतुर्वेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन के जरिए इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरुण, अब तक कोई जानकारी मिल सकी? जी, मैं आपको बता दूं कि एयरपोर्ट स्टैंड में एक लावा स्कूटी खड़ी थी, उसमें एक लावारिस बैग रखा हुआ था। इसको सूचना जैसे वहां पर एयरपोर्ट पर सुरक्षा सीआरपीएफ की जवान थे उन तक पहुंची थे, तत्काल जो है उसको जांच के लिए डॉग स्पॉट मंगाया गया है, उसकी जांच की जा रही है, और पुलिस जो वहां पर सुरक्षा कर्मी लगे हुए थे उनको भी बुलाया गया, डॉग स्पॉट की टीम को बुलाया गया है मौके पर, उसकी जाँच की जा रही है। लेकिन अभी बैग जब तक जो डॉग स्पॉट की टीम नहीं आएगी तब तक बैग नहीं खोला जा रहा, बाकी सब संदिग्ध जो बैग मिला उसकी जाँच की जा रही है, और एहतियात के तौर पर सभी जो बाहर लगे हुए लोग थे उनको हटा दिया गया मौके से, और जांच चल रही है, थोड़ी देर बाद अपडेट आएगा। जाहिर तौर पर वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, क्या उसमें से कोई जानकारी मिल सके कि आखिर किस शख्स ने उस बैग को वहां पर रखा, या कोई भूल करके चला गया, या उस बैग के अंदर कोई संदिग्ध चीज है? देखिए, सीसीटीवी सीआरपीएफ की टीम और जो सुरक्षा कर्मी है जो वहाँ पर तैनात थे एयरपोर्ट में जो है वो सीसीटीवी फुटेज के जरिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो यहाँ पर गाड़ी पार्किंग में खड़ी थी वो किसकी, जो गाड़ी जिस पर स्कूटी पर जिस गाड़ी पर बैग रखा है उस नंबर को भी टेस्ट किया जा रहा है कि आखिर ये बैग जो गाड़ी है उसी की बैग है या किसी और का है। पूरी मामले में पुलिस जाँच, वहाँ की पुलिस भी मौके पहुंची, जाँच चल रही है, जाँच में रिपोर्ट किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अरविंद इन तमाम जानकारी के लिए। तो एक संदिग्ध बैग जो कि लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट के पार्किंग के एरिया में मिलता है, फिलहाल उसकी जांच पड़ताल की जा रही है।